नमस्कार, दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली को बर्बाद करने की साजिश रच रहे हैं नरेंद्र मोदी। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग द्वारा 3 सचिवों के तबादले के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और केंद्र सरकार में जंग और तेज हो गई है। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि मोदी जी उपराज्यपाल के जरिए दिल्ली को बर्बाद करने की साजिश रच रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि मनीष एल जी के पैरों में पड़े कि मोहल्ला क्लिनिक और स्कूल बनाने वाले सचिवों को 31 मार्च तक न हटाएं, पर वो नहीं माने। नरेंद्र मोदी ने कहा, बिजली से ज्यादा जरूरी है पानी। गुजरात के जामनगर जिले में सोनी सिंचाई योजना के पहले चरण की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब वह पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने किसानों से बिजली के लिए आंदोलन करने की बजाय पानी पर ध्यान केंद्रित करने को कहा था। इसको लेकर उनका विरोध भी हुआ था, पर उन्हें खुशी हुई जब किसानों ने उनकी बात को समझ लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने यूरिया को संपूर्ण नीम कोटिंग का प्रावधान किया। इसके तहत विदेश से आयात यूरिया को भी शामिल किया गया। यूरिया का उत्पादन 20 लाख टन कर दिया गया। अब यह हर किसी की जरूरत के अनुरूप मिलता है। उच्चतम न्यायालय ने आप सरकार और एमसीडी से डेंगू नियंत्रण के लिए कदम उठाने को कहा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और नगर निकायों को राष्ट्रीय राजधानी में मच्छर जन बीमारी डेंगू पर अंकुश के लिए तमाम निवारक कदम उठाने का निर्देश दिया है। जापान में तूफान से 100 से अधिक उड़ानें रद्द। उत्तर पूर्व जापान में जबरदस्त समुद्री तूफान की आशंका से मंगलवार को 100 से अधिक विमानों की उड़ानें रद्द कर दी गयी। आबादी वाले क्षेत्रों से लोगों को हटाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम शुरू कर दिया गया। इस क्षेत्र में यह 5 वर्ष पहले भूकंप और सुनामी के बाद दूसरा बड़ा तूफान है। किर्गिस्तान के चीनी दूतावास में कार बम विस्फोट। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में मंगलवार को संदिग्ध आत्मघाती हमलावर ने अपनी कार को चीनी दूतावास के फाटक से टकराकर विस्फोट कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई तथा 3 अधिकारी घायल हो गए। चीन के विदेश मंत्रालय ने किर्गिस्तान स्थित अपने दूतावास में कार बम विस्फोट की कड़ी निंदा की है और कहा है कि यह कट्टरपंथियों का हिंसात्मक हमला है। तब तक के मुख्य समाचार और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।